वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचसी क्रू। इस वीडियो में हम निबोश आईजीसी आईजी वन लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 12 को देखेंगे और जो सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे दीज आर ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जॉब फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 तक एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3.1 एंड 3.2 को कवर किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल डाउन करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। एक प्रीलिमिनरी नोट है, द मेन पर्पस ऑफ दिस निबोश आईजीसी आईजी वन लेक्चर सीरीज इज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट। एंड देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल रिक्वेस्ट, इफ यू आर फाइंडिंग दिस कॉन्टेंट हेल्पफुल डू कॉमेंट ऑन द वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। The learning objective of this video is summarize the human factors which positively or negatively influence behaviors at work in the way that can affect health and safety. तो ऑलरेडी हमने बात की कि हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट 3.3 है हमारे पास, ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, द ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स आर बेसिकली 3 फैक्टर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड जॉब फैक्टर्स। अगर हम आईजी वन एग्जाम की बात करते हैं तो एलिमेंट 3 में से एलिमेंट 3.3 जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन है वो एलिमेंट 3.3 में से ही आता है। जितने भी क्लोज बुक पेपर हुए हैं हमारे पास, 3.3 में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को किस तरह से वायलेट किया है, या फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स को किस तरह से वायलेट किया है, या फिर जॉब फैक्टर्स को कहां कहां पे फुलफिल नहीं किया। तो बेसिकली क्या आता है कि व्हाट आर द नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी इन द मेंशन्ड सिनेरियो। तो नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की बात होती है, नेगेटिव जॉब फैक्टर्स की बात होती है, नेगेटिव इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात होती है, या फिर पॉजिटिव वे में आ सकता है। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो 3.3 या ये जो लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास, ये एलिमेंट 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है हमारे पास कि कौन से ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, सेफ्टी कल्चर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो ह्यूमन बिहेवियर्स को भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, और अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिवली ह्यूमन बिहेवियर्स को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमिटमेंट एंड लीडरशिप। तो लीडरशिप, अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है टूवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी तो डेफिनेटली जो है उस कंपनी में लोगों के जो बिहेवियर्स हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी के टूवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेज अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है, देन ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे ह्यूमन बिहेवियर्स को। वर्क पैटर्न्स यानी शिफ्ट टाइमिंग्स और उसके बाद रेस्ट ब्रेक्स जो है उनका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी में शिफ्ट टाइमिंग्स प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं, लेंथी शिफ्ट्स नहीं है, 8 आवर की शिफ्ट है जिसमें रेस्ट ब्रेक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन। अगर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपरली मैनेज है, हर बंदे को पता है कि कंसर्निंग पार्टी के साथ किस तरह से बात करनी है, किस बंदे से कौन सा इशू डिस्कस करना है, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। लेवल्स ऑफ सुपरविजन, किस तरह की सुपरविजन प्रोवाइड की जाती है, सुपरविजन प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, तो डेफिनेटली ये भी ह्यूमन बिहेवियर्स को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। पीयर ग्रुप प्रेशर, पीयर ग्रुप प्रेशर क्या होता है, बेसिकली सेम एज ग्रुप के लोगों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं। ऑलरेडी हमने 3.1 में पीयर ग्रुप के बारे में कवर किया, तो पीयर ग्रुप प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ह्यूमन बिहेवियर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, डेफिनेटली अगर वर्कर के साथ कंसल्टेशन की जा रही है मैटर्स के ऊपर तो ये पॉजिटिवली ह्यूमन बिहेवियर्स को इफेक्ट करेंगे, और अगर नहीं की जा रही तो ये वर्कर्स के बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। ट्रेनिंग्स, डेफिनेटली अगर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी, और अगर नहीं कंडक्ट की जा रही तो ये नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स नेगेटिवली इफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर्स ऑफ द वर्कर्स इन द गिवन सिनेरियो। तो जो सिनेरियो है उसमें से हमने देखना है कि नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन से हैं। तो ऑलरेडी मैंने बात की थी कि जब हम पेपर लिख रहे हों या पेपर जब स्टार्ट करेंगे तो पेपर को जब पढ़ेंगे
तो पेपर को पढ़ते वक्त हमने दो हाईलाइटर यूज करने हैं, जिसमें रेड हाईलाइटर और ग्रीन हाईलाइटर होगा। जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसको आप रेड हाईलाइटर से मार्क करते जाएं, या फिर उस लाइन के सामने नेगेटिव का साइन बना दें, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी उस लाइन के सामने आप पॉजिटिव का साइन बना दें या ग्रीन में हाईलाइट कर दें। तो अब जब ये नेगेटिव ह्यूमन फैक्टर्स की बात आएगी तो हम देखेंगे कि सेफ्टी कल्चर का कोई जिक्र था सिनेरियो में, अगर था नेगेटिव कल्चर था तो उसको हम हाईलाइट करेंगे कि एज पर द मेंशन सिनेरियो कल्चर वाज नेगेटिव, या फिर वहां पे चीजें अगर ज्यादा नेगेटिव सेंस में हो रही थी तो हम लिख सकते हैं कि ये जो चीजें नेगेटिव सेंस में हो रही थी कल्चर नेगेटिव था, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। फिर हम देखेंगे टॉप लीडरशिप जो थी वो कमिटेड थी, लीडरशिप जो थी साइट के ऊपर मतलब के विजिट कर रही थी कि नहीं कर रही थी, अगर नहीं कर रही थी तो हम मेंशन करेंगे। रिसोर्सेज अवेलेबल देखेंगे कि इक्विपमेंट पूरे थे, बंदे पूरे थे, नहीं थे तो ये मेंशन करेंगे कि इस वजह से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नेगेटिव थे। लेवल ऑफ सुपरविजन, कम्युनिकेशन, जो जो चीजें सिनेरियो में नेगेटिव मेंशन होंगी उनको हम सिंपल लिख देंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स थे जिन्होंने नेगेटिवली इफेक्ट किया वर्कर बिहेवियर्स को। समटाइम ये होता है कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें क्वेश्चन में ये आता है कि व्हाट आर द कमेंट ऑन द नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स दैट लेड टू द एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, यूजली 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस हमारे पास 3.3 में से आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जॉब फैक्टर्स, कौन कौन से जॉब फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियर्स को जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले टास्क, मतलब जो काम असाइन किया गया है वो बड़ा डिफिकल्ट है, एक बंदे से होने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन बिहेवियर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इसी तरह से वर्कलोड, काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, एक ही मतलब के सुपरवाइजर उसको 10 टीमें दे गई हैं, वर्कलोड ज्यादा है जो कि उसके बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। एक ही जो हमारे पास क्लरिकल स्टाफ में एक बंदा है और उसने पूरी कंपनी की सैलरीज बनानी है, डेफिनेटली वर्कलोड ज्यादा है तो उसके बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है किसी चीज की, तो ये भी ह्यूमन बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स, तो जहां पे बेसिकली कंट्रोल रूम्स की बात होती है तो डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स अगर ऑकवर्ड पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं तो डेफिनेटली ये भी ह्यूमन बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। प्रोसीजर्स, काम करने के तरीके अगर जानबूझ के लेंथी किए हुए हैं तो ये भी ह्यूमन बिहेवियर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। सेवरल टाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द जॉब फैक्टर्स इफेक्टिंग नेगेटिवली ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियर्स या वर्कर बिहेवियर्स को नेगेटिवली, कौन कौन से जॉब फैक्टर्स जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो हम इसको रिलेट करेंगे कि टास्क वहां पे अगर डिफिकल्ट था तो हम बताएंगे कि ये टास्क डिफिकल्ट था, वर्कलोड था वर्कर्स के ऊपर, टाइम प्रेशर था, तो ये सारी चीजें मेंशन करेंगे कि ये जॉब रिलेटेड फैक्टर थे, ये ह्यूमन बिहेवियर्स को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स, ऐसे मसले जो बंदे के जाती होते हैं, एक सिंगल पर्सन के जो मसाइल होते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंस, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। एक बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एबिलिटी नहीं है काम करने की, जिसके पास ट्रेनिंग्स नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली जब वो साइट के ऊपर काम करेगा तो ये सारी चीजें अगर नहीं है तो वो काम को अच्छे तरीके से साथ नहीं कर सकेगा, जो कि उसके बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज स्किल्स, अगर बंदा स्किलफुल नहीं है, अगर जो वर्कर है वो स्किलफुल नहीं है तो डेफिनेटली वो ये स्किल ना होना भी उसके बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। पर्सनैलिटी, दो तरह की बेसिकली पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अगर साइट पे बंदा काम कर रहा है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है और उसको टीम मैनेजमेंट या फील्ड वर्क दे दिया गया है तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकेगा, और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, उसको शीटें बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए ऑफिस में बिठा दिया गया है तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। तो हमने पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से जॉब एलोकेशन करनी है कि जो बंदा जिस काम के लिए फिट है उसको वही टास्क असाइन करें ताकि उसके बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इफेक्ट किया जाए रादर देन अफेक्टिंग नेगेटिवली। एटीट्यूड, एटीट्यूड का इशू हो सकता है, किसी बंदे का एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है तो वो उसके बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। मोटिवेशन, द थिंग दैट इज मेकिंग अ पर्सन टू डू व्हाट दे डू, कोई भी ऐसी चीज जो उस बंदे को किसी काम के लिए उकसाती है उसकी मोटिवेशन कहते हैं। बेसिकली दो तरह की मोटिवेशन होती है, नेगेटिव मोटिवेशन या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन। तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है कि किसी को पनिशमेंट देना, और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होती है, किसी को अवार्ड रिवार्ड देके उसको मोटिवेट करना, उसके बिहेवियर को ये चीज नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। तो ये वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो कि किसी एक बंदे के बिहेवियर को नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है। अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू आर वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। मतलब कि एक बंदे का किसी चीज को देख के वो क्या परसीव करता है, नेगेटिव परसीव करता है या पॉजिटिव परसीव करता है, उसे उसका एटीट्यूड कहते हैं। एंड एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन। हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन क्या होती है कि किसी को डांट डपट के ठीक करना, इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट एक्शन लेके उसके सजा दे के, कंसल्टेशन उसके साथ कंसल्ट करके बातों को, इश्यूज को रिजॉल्व करके, एंड इन्वॉल्वमेंट उसको हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व किया जाए ताकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिस्क परसेप्शन की ये स्लाइड है हमारे पास कि बेसिकली रिस्क परसेप्शन क्या होती है। तो परसेप्शन क्या है, द वे अ पर्सन ब्रेन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन सेंट बाई देयर सेंसेज। हमारी पांच सेंसेज है, हवासे खमसा भी बोलते हैं, फाइव सेंसेज भी बोलते हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। तो इन पांचों सेंसेज से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इसे हम परसेप्शन कहते हैं। तो इसे हम रिस्क परसेप्शन भी कहते हैं कि हमें पता है हमारी तरफ कोई तेज आवाज से कोई चीज आ रही, तो हमें पता है कि हमारी तरफ फोकलिफ्ट आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, हम साइड पे हट जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिस्क परसेप्शन। किसी मशीन में से कोई नॉइज एबनॉर्मल साउंड आना स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, ये एक्सीडेंट का बायस बन सकती है, दैट इज कॉल्ड रिस्क परसेप्शन। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कि फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट पर्सन्स परसेप्शन ऑफ हैजर्ड्स एंड रिस्क इंक्लूड। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि एक बंदे की रिस्क परसेप्शन को पुअर कर सकती हैं। तो सबसे पहले इलनेस, डेफिनेटली अगर बंदा बीमार है तो रिस्क परसेप्शन पुअर हो जाती है। स्ट्रेस, घरेलू को परेशानी है या कोई और परेशानी है उसकी वजह से भी रिस्क परसेप्शन पुअर हो जाती है। फिटीग, बंदा थका हुआ है, बंदे को मतलब कि सुबह से वो काम कर रहा है कंटिन्यूसली, थक गया शिफ्ट एंड के ऊपर, डेफिनेटली उसकी रिस्क परसेप्शन पुअर हो जाएगी। ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, डेफिनेटली अगर कोई भी नॉर्कोटिक्स कोई चीज ऐसी यूज किया जो कि बंदे के सेंसेस के साथ प्रॉब्लम करती है तो वो भी उसकी रिस्क परसेप्शन को पुअर करेगी। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, एक बंदा पहले हाई रिस्क जॉब्स करता रहा है और विदाउट टेकिंग प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स वो करता रहा, जैसे कि वेल्डर हजरात स्टार्ट में, जैसे कि हमारे लोकल वेल्डर्स जो होते हैं वो कोई खास पीपीज यूज नहीं कर रहे होते तो उनको लगता है कि वेल्डिंग को डायरेक्टली देखने से आंखों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ये भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी रिस्क परसेप्शन को पुअर करते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का ना होना भी रिस्क परसेप्शन को पुअरली इफेक्ट करता है। यूज ऑफ पीपी, सम टाइम पीपीज यूज करने से भी रिस्क परसेप्शन पुअर हो जाती है, जैसा कि सर्दियों में अगर गॉगल्स लगाई हुई हैं साथ में फेस मास्क लगाया हुआ है तो जब सांस लेते हैं तो उसमें मिस्ट हो जाती है, तो दैट मिस्टेड अप जो गॉगल्स हैं वो रिस्क परसेप्शन को पुअर कर देंगी। वर्क प्लेस कंडीशन, हाई नॉइज लेवल्स जो हैं ये भी रिस्क परसेप्शन को पुअर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट 3.3 खत्म होता है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लेक्चर नंबर 13 में हम 3.4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 13 में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर फाइंडिंग दिस कॉन्टेंट हेल्पफुल डू कमेंट ऑन द वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।